जयपुर ग्रेटर के युवा पार्षद भाई सुनील सिंघानिया जी, मौजूदा हमारे हरसोली सर पंचायत के सरपंच साहब माधुराम जी, हमारे दूदू के युवा नेता तेजशरण जी, हरसोली के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरचंद जी, हमारे हरसोली के नेता मंगल, हमारे अगर आपके विधायक रहे और अब ये 10 साल बाद में हमें भी आपके पंचायत हो चाहे 8-10 पंचायतें इनकी कमी आपको भी हमेशा खलती है। ये ऐसी पंचायतें हुआ करती थी जो दिल में एतबार रखती थी, जो वोट का महत्व समझती थी, जो विकास के महत्व को समझती थी। बताता हूँ आपको, मैं हमारे डायरेक्टर साहब की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ, राज्य में मौजूदा कांग्रेस सरकार के 3 साल बच्चे हैं, सरपंच साहब भी यहाँ मौजूद हैं, डायरेक्टर साहब अगर आप जिताते हैं एक तो हमारा बोर्ड बनेगा सांभर में, बोर्ड अमर बनता है तो प्रधान हमारा कांग्रेस का बने, कांग्रेस का प्रधान बनेगा, ऐसी मैं जिला परिषद सदस्य के लिए आपके लिए भी चाहता हूँ। मैं अगर जिला परिषद सदस्य बनूँ तो जिला प्रमुख जयपुर का कांग्रेस को बना वाला। आज जो राज्य सरकार 3 साल कांग्रेस की जो सरकार रहेगी राज्य में, इसको अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सका था। एक तो जो 2 साल आपने ख़राब होगा वो काम भी हो जाए और आने वाले 3 साल में भी आप अपनी पंचायत के विकास की बात को इच्छुक कर लिया। मंत्री सोना तो निवेदन से आप विश्वास करो, 10 साल बाद हमें मौका मिला है भाई आपकी दोबारा सेवा करने का। मैं जब ये वार्ड का परिसीमन हुआ, गठन हुआ, तब हमारे पिताजी ने भी दोनों कंधे से कंधा मिला के इस 3 साल जो आने वाले इस राज्य के कांग्रेस सरकार के बच्चे हैं प्रयास करेंगे इन 3 साल में अपने गांव की कोई भी समस्या हो, कोई सड़क की हो, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे नालियों की हो, चाहे आपके कहीं हेडपम्प लगाना हो, हम जब कंधे से कंधा मिलाएंगे और मौजूदा मजबूत कड़ी सरकार से जुड़ेंगे तो मैं नहीं मानता कि भाई सरकार से हम कोई निवेदन करेंगे तो सरकार नहीं मानेगी। जब हमने सरकार को प्रधान हमारा बना के दे दिया, आज मौजूदा सरकार से कड़ी से कड़ी जोड़ के जिला प्रमुख भी दे दिया, तो सरकार की भी फिर जिम्मेदारी बनती है हमारी मांगों को माने। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पधारे और पुनः हम दोनों को, दोनों प्रत्याशियों को बराबर वोट देके, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों पर विश्वास जताएं। आपका विश्वास कभी भी, आपका मान सम्मान कभी भी, आपकी बात को कभी भी हल्का नहीं होने देंगे। जय हिंद।